कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सह लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर ने अग्निपीड़ित से किया मुलाकात। कटिहार जिले में आग की घटनाओं से लगातार कटिहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में सैकड़ों घर आग में जलकर राख हो गए, जिससे सबसे बड़ी क्षति कटिहार के अहमदाबाद में हुई। आग लगी की सूचना पाकर कांग्रेस कार्य समिति सदस्य सह कटिहार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर अहमदाबाद प्रखंड के बबल बन्ना गांव पहुंचे, जहां तारिक अनवर ने अग्नि से प्रभावित परिवार से लोगों से मिलकर उनके परेशानियों को जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित परिवार काफी परेशान है, खाने और पीने की समस्या है, जिला प्रशासन को इस बात को लेकर अवगत कराने का काम करेंगे। साथ ही सभी प्रभावितों को आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराई जाए। जिला प्रशासन से मांग है कि अविलंब चापाकल चिकित्सा शिविर कम्युनिटी किचन का व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। आग लगने से काफी तबाही हुई है और वही हम देखने के लिए आए थे। थोड़ा इसमें ये शिकायत मिली है कि कुछ लोग छूट गए हैं, जिनको अभी तक सरकार की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली है। तो हमारी कोशिश होगी, हमने मुखिया जी को और जो भी जनप्रतिनिधि है कहा है कि जो लोग छूट गए हैं उनकी अलग से सूची बनाकर आप सीओ को भी दीजिए और उसकी कॉपी एक हमको भी दीजिए, तो हम जिला अधिकारी को उस संबंध में जानकारी देंगे। प्रयास करेंगे जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी तमाम जो सामग्री है या सुविधा मिलनी चाहिए वो मिले, यही हम लोग कोशिश करेंगे। मेरी बहुत दुखद घटना है, काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लोग परेशान हैं, अभी भी पीने के पानी की समस्या है और भोजन जो मिल रहा था लोगों को वो एक ही दिन मिला, जैसा ये लोगों ने बताया हम लोग, वो कम से कम 3-4 दिन मिलना चाहिए था। सामूहिक भोजन का व्यवस्था सरकार की तरफ से होता है, वो भी हम चाहेंगे कि इसको फिर से चालू किया जाए। और सर, लगातार आग लगी की घटना घट रही है, इसको लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक तो खुद ही लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये पता है कि ये जो मौसम है इसमें पछिया भी चलता है, हवा चलती है, और खुद ही लोग इस बात का ध्यान रखें कि घर में किसी तरह से चूल्हा वगैरह जब जलाते हैं खाना बनाने के लिए, उसका ध्यान रखना चाहिए कि इसका किसी तरह से भी आग लगने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए।